कैसे हो जय माता दी। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। और गाइस आज का वीडियो, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि जो आपका वीडियो है, आज का वीडियो है वो है कि मैं अपनी जो बेटी है जो 6 मंथ कंप्लीट हो चुकी है, 7 मंथ उसका रनिंग है, तो मैं उसको बादाम में किस तरीके से देती हूँ, हमें जो बादाम देते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या मतलब हमें किस तरीके से देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, तो ये वो आज का जो वीडियो है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टार्ट करने से पहले गाइस आपको मैं टिप्स देना चाहूंगी, अगर आपका न्यूबॉर्न से लेके 1 ईयर तक का बेबी है तो उसे विटामिन डी का जो सिरप है रेगुलर बेस में जरूर दीजिए, क्योंकि अभी जो बेबी होता है वो काफी जल्दी मतलब जो है मतलब बहुत जल्दी इसका जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ब्रेन होते हैं, काफी जल्दी डेवलप हो रहे होते हैं, तो उसको जो है थोड़ी बहुत उससे जो है हेल्प मिलेगी। तो चलिए गाइस अभी तो जो हमारी डीसी है वो सो रही है, क्योंकि सुबह के 6:30 बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के, बज रहे हैं 6:30 और मैं सोचती हूँ मतलब डीसी को जो है मैं 7 बजे के करीब जो है वो देती हूँ बादाम, क्योंकि अभी डीसी जैसे ही सोकर उठेगी तो थोड़ा बहुत खेलेगी, उसके बाद में उसको जो है वो बादाम दूंगी, तो बादाम बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो इसीलिए गाइस तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको गाइस ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो न्यू पेरेंट्स हैं जो बनने वाले हैं तो उनको क्या है इस वीडियो से हेल्प मिले। तो चलिए गाइस तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो बादाम है वो जो बादाम का जो पेस्ट है वो बेबी के लिए किस तरीके से तैयार करती हूँ, तो ऐसे बनी रहिए, तब तक के लिए जय माता दी। तो गाइस देखिए जो ये बादाम है मैंने रात भर जो है इसको भिगोने रख दिया था, क्योंकि कहते हैं कि अगर बादाम रात भर भिगोए जाए तो उसकी जो तासीर है वो ख़त्म हो जाती है, वैसे भी अभी जो है गर्मियों का टाइम चल रहा है और बच्चे को जो है इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं देते, इसीलिए जो बादाम को है रात भर भिगो के रखना। और इसका एक फ़ायदा ज़रूर होता है गाइस कि अगर आप बादाम रात भर भिगो के रखोगे तो ये जो बादाम है ना अच्छे से जो है अच्छे से बिल्कुल मसलीन बिल्कुल मुलायम सा हो जाता है। तो गाइस देखिए मेरे पास तो एक जो ओखली है तो उसी में जो है मैं बच्चे को जो है बादाम जो है घिसती हूँ, बच्चे का पीसती हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं जो बादाम है बिल्कुल मतलब पीस पीस के बिल्कुल सॉफ्ट कर दूंगी, तो जो बेबी को है बिल्कुल दर्दरा महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो बेबी है आपका छोटा होता है तो वो कोई भी चीज़ अभी बाहर निकालता है, तो अगर ये दर्दरा रहेगा इसमें तो बच्चा क्या है वो बाहर निकाल देगा, इसीलिए आपको बहुत मतलब प्रेस लगा के आपको अच्छे से बादाम को जो है मलना है। तो कई लोग तो गाइस जो है मिट्टी की जो एक बर्तन आती है दिया आता है तो उसमें भी जो है घिसते हैं बादाम को, तो उसमें भी काफ़ी मुलायम हो जाता है, मगर मेरा मानना यह है कि अगर उसमें आपको बादाम उसमें घिसोगे तो जो मिट्टी का बर्तन है उससे जो है मिट्टी जो है निकल सकती है बादाम के साथ, और बच्चा अभी काफ़ी छोटा होता है बहुत सेंसिटिव होता है तो बच्चे को कोई इन्फेक्शन होने का ना चांस हो सकता है। तो अगर आपके पास ओखली नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक जो है कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, बिल्कुल एकदम साफ कॉटन का कपड़ा लेना है तो उसमें आप बादाम रख के ओखली की मदद से कोई आपके पास कोई भारी कोई सी भी चीज़ होगी तो आप उसमें भी उसको आसानी से पीस सकते हो। तो देखिए गाइस ऐसे मैंने मतलब घिस घिस के इसको जो है बादाम को बिल्कुल पतला कर लिया है, और जो ये बादाम है ना मैं बिल्कुल पूरा नहीं दूंगी, मैं पीसूंगी तो पूरा ही बादाम, क्योंकि अभी जो बच्चा ना काफ़ी एक्टिव होता है 6 मंथ से ऊपर जो बच्चा है कभी हाथ पैर भी मार देता है इधर उधर, तो इसीलिए जो बादाम को मैं पूरा पीसूंगी और जो ये बादाम है बिल्कुल मैं आधी क्वांटिटी में दूंगी, तो जो इसमें अगर जो जो चीज़ नहीं पिसेगी तो गाइस उसको आपको निकाल देना है, क्योंकि बच्चे के जो गले में है अटकने का भी जो है डर रहता है। देखिए ऐसे पीस पीस के मैंने बिल्कुल मतलब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इसको है मुलायम कर लिया है, अगर आपका बेबी मतलब इतना थिक नहीं लेगा तो आप उसमें जो है काओ मिल्क भी ऐड कर सकते हो, मैं भी कभी पहले जो था वो काओ मिल्क ऐड करती थी, अब तो मुझे नीड नहीं होती है क्योंकि अब बीसी जो है 6 मंथ कंप्लीट हो चुकी है और 7 मंथ जो है उसका रनिंग है, तो वो इसको जो बादाम को है ना पिसे हुए बादाम को आराम से जो है खा लेती है। देखिए गाइस अब ना मैंने इतना पतला कर लिया है इसको, इसमें कम से कम आपको ना 15 से 20 मिनट लगते हैं पीसते पीसते, तो देखिए गाइस ये पीसते पीसते मैंने इसको इतना पतला इसका जो है पेस्ट बना लिया, तो आप भी ऐसे ही पीसिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो बीसी की जो रेगुलर कटोरी है, आपको कोई अदर कटोरी यूज़ नहीं करनी है, जो बच्चों की रेगुलर कटोरी जो यूज़ करते हो डेली तो उसी कटोरी को पहले हल्का सा उबाल लेना है और फिर ये है बादाम मैं देखिए इसमें डाल लेती हूँ, जो भी मतलब पतला पिसा होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो दरदरा होगा वो नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस तो मैंने यहाँ पर पीस लिया है, तो ये देखिए इतना पतला पीस लिया है और अब हम मैं अपनी वीसी है या तो उठेगी तो मैं उसको ये दूंगी। तो गाइस देखिए हमारी जो वीसी है वो सो के उठ चुकी है और यहाँ पर थोड़ा सा अभी खेल रही है, तो गाइस अभी जो बच्चे को है ना बादाम एकदम से नहीं देना, थोड़ा 15-20 मिनट बाद देना है,
तो अभी जैसे बच्चे का थोड़ा सा मूड अच्छा सा हो जाए, थोड़ा बच्चा हैप्पी हो जाए, थोड़ा सा उसको मतलब घुमा के खिला के तब जाके देना है। तो अभी थोड़ा विशी थोड़ा सा घूमेगी फिरेगी तब जाके खाएगी, है ना विशु? है विशु, आपके लिए मम्मा ने बादाम रखा है, ठीक है खाओगे आप? ठीक है, अभी आप पानी पी लो, ठीक है पी लो आप पी लो। ये गाइस अब आपको मैं इसको बताती हूँ कि जो बादाम को खाने से क्या होता है और क्या बेनिफिट होता है। तो गाइस जो बादाम में है ना काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो बेबी का जो डाइजेशन मतलब जो पचाने का जो सिस्टम होता है वो मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है उसमें, और जो बेबी का जो ब्रेन होता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो गाइस अपने जो बेबी को ना आपको रेगुलर जो है अपना जो ये वाला पिसा हुआ बादाम ना रेगुलर खिलाए, और ये जो बादाम है सुबह के टाइम पर खिलाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो सुबह का जो बेबी का पेट होता है वो स्टमक जो है बिल्कुल खाली होता है। तो आप इसको जो है बादाम को आप रेगुलर बेस में इसको खिला सकते हो, कभी कभार आप स्किप कर सकते हो कोई नहीं, मगर आपको जो है इसको रेगुलर बेस में खिलाना है। तो इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा फायदा होता है बेबी के लिए। तो अभी जो आपका बेबी है ना मतलब काफ़ी मतलब बहुत जल्दी तेज़ी से ना इम्प्रूवमेंट हो रहा होता है बेबी का। तो गाइज़ आपको जो है अपने बेबी को इस तरीके से डेली एक बादाम जो है आपको देना है अगर आपका बेबी जो है 6 मंथ से ऊपर हो गया है। तो देखिए हमारी जो विशी है बड़े प्यार से बादाम को खा रही है। तो गाइस देखिए हमारी जो विशी है उसने बादाम खा चुकी है और इसको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। और तो गाइस आपको हमारे द्वारा दी गई हो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिनको नहीं पता कि बादाम किस तरीके से दिया जाता है तो उनको भी इस वीडियो के थ्रू उनको भी पता चल जाए कि बेबी को जो है बादाम किस तरीके से दिया जाता है और किस महीने में दिया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।